जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जी पप्पू लश्कारा। पप्पू लश्कारा जो है ना जी, वो बड़ा ऑनलाइन टाइप का आदमी है। अच्छा, आप भी ऑनलाइन टाइप हैं? अगर आप ऑनलाइन टाइप हैं तो फिर फौरन सब्सक्राइब करें ना जी बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को। ऐसे बटन को दबाएं लाल रंग के तो सब्सक्राइब हो जाएगा। क्या कह रही हो तुम? अरे अख्तर भाई, लड़के की माँ तो सर पे पाँव रख के भागी है, वरना चंदा तो उसकी जान ले लेती। तुम्हें बताया नहीं रुखसाना ने तुम्हारी बेटी के करतूत? ओ, तू कौन है खामखा? कौन है तू? निकल यहाँ से। एक तो गलती तुम्हारी खुद की, तेज बाइक तुम चला रहे थे, ऊपर से चढ़ाई कर रहे हो। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं उनसे बात करूँ, निकल यहाँ से। बदतमीजी किससे कर रहे हो? हाँ, गिरेबान छोड़, गिरेबान छोड़। ना भाई ना, मेरे बाप की भी तौबा, इस उम्र में मुझे नहीं मिट्टी प्लीज करवानी अपनी। चंदा ने मुझे साफ साफ धमकी दी है कि अब कोई रिश्ता लेके आई तो तेरी खैर नहीं, ना तुम किसी और रिश्ते करवाने वाली का बंदोबस्त कर लो, मैं जाती हूँ। रुको फरीदन, रुको, ये रुको। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो कुछ नहीं करेगी। अगर उसने कुछ किया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ठीक है, अगर तुम गारंटी देते हो ना तो एक आखिरी बार एतबार कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे से उम्मीद ना फिर रखना। रिश्ता कैसा चाहिए? जैसा भी हो मुझे कबूल है। जैसा भी मतलब? तुमने बेटी ब्यानी है या कुर्बान करनी है? कुछ भी समझ लो, मुझे बस जल्द अज जल्द चंदा को ब्याना है, बस। अच्छा, एक लड़का है, शक्लो सूरत तो वाजबी सी है, कम पढ़ा लिखा है लेकिन कमाता अच्छा है, घर किराए का है, कहो तो बात चलाऊं। अरे फरीदन, शक्ल सूरत और तालीम तो होनी चाहिए ना लड़के की। मेरी चंदा बीए कर रही है। बकवास बंद करो, खबरदार बीच में बोली तो। फरीदन, तुम रिश्ता लेके आओ, बल्कि आज ही लेके आओ। आज ही? हाँ भाई, नेक काम में देर किस बात की, हो सके तो लड़के की अम्मा को आज ही ले आओ। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं ताहिरा से बात करती हूँ। कौन ताहिरा? अरे भाई, लड़के की अम्मा का नाम है, जाती हूँ वहाँ बात करती हूँ। ठीक है जाओ। तो ये आप सही नहीं कर रहे। सही और गलत तुझसे बेहतर जानता हूँ मैं। आजे ना तेरी लाडली तो उससे कह देना, जरा सी भी चूचना की ना तो निकाल दूंगा तुझे और तेरी लाडली को इस घर से, समझी? अरे अम्मा, हाँ फिर कपड़े धो रही हैं। मैंने कितनी दफा मना किया है ना धोया करें कपड़े, मानती नहीं आप बात। हाँ गी मेरी बच्ची। अच्छा वो बता, टेस्ट हो गया? हाँ अम्मा, टेस्ट हो गया, कल रिपोर्ट भी आ जाएगी और देख लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। आमीन सुमा आमीन। अरे अरे हट जाना, मैं कर लूंगी। अम्मा मेरे होते हुए आप काम करेंगी? मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही है? सोच रही हूँ कल को तुम अपने घर चली जाओगी, फिर भी तो ये सारे काम मैंने ही करने हैं ना। आपसे किसने कहा मैं शादी करूंगी? क्यों, शादी तो होनी है। मम, मैं नहीं करनी शादी। क्यों, तुमने क्यों नहीं करनी शादी? क्योंकि मैं सारी जिंदगी अपनी अम्मा की खिदमत करना चाहती हूँ। अरे बेटा, बेटियों को तो बादशाहों ने भी कभी अपने घर में नहीं बिठा कर रखा। उनका तो मुझे नहीं पता, पर चंदा शादी नहीं करेगी। अच्छा चल ये छोड़। क्यों? ये मैं कर लूंगी, तुम जाके खाना लगा। जाना, बड़ी भूख लगी है। अच्छा अरे अम्मा, शेरों को कुछ नहीं होता, बैठ जा। अरे क्या किया है, चोट लगवा लाया ना कहीं से, झगड़ा किया होगा कहीं। अरे अम्मा, क्यों हाथ मुंह धो के मेरे पीछे पड़ी रहती है तू? आगे थोड़ी मुसीबतें हैं जो ये कुछ करता रहता है तू। देख ले इनायत को, छोटा है तुझसे पर नाक की सीध में चलता है, खाता है, कमाता है, हमें रोटी खिलाता है, ना किसी से लड़ाई, ना झगड़ा, ना लेना ना देना। तू है, कब तक यूं भाई का माल खाएगा? सुधर जा, मैं कह रही हूँ, कोई काम कर, कोई कमा, कोई हमें खिला।
अरे अम्मा, जिस दिन मैंने कमाना शुरू किया ना, महलों में रहेगी महलों में, नौकर जाकर आगे पीछे घूमेंगे तेरे। आज जो तू मुझे बातें कर रही है ना, कल को खुद ही शर्मिंदा होगी। शर्मिंदा हो ही ना जाऊं कहीं मैं। अल्लाह करे मैं अपनी जिंदगी में तुझे सुधरता देख लूं। इनायत की शादी कर रही हूँ मैं, और तेरे जो नखरे उठाता है ना, वो सब बंद करवाऊंगी। खुद कमा और खुद खा। अरे अम्मा, मैं बड़ा हूँ, पहले शादी मेरी होगी भाई। कमा के ला, खड़े खड़े तेरी शादी कर दूंगी, वरना सोच ले जिंदगी भर इनायत के बच्चे खिलाता रहेगा तू। अम्मा क्यों इतना बुरा सोचती है, इतनी प्यारी शक्ल है अम्मा तेरी, पता नहीं इतनी बुरी बातें कहां से सोच लेती है तू। सका मस्के लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या पका रही? आलू। अम्मा आज फिर आलू? अच्छा तू बड़ा मुझे कमा के देता है, जो देसी मुर्गियां खिलाऊं तुझे? हाँ हाँ, वो तो बड़ा कमा रहा है ना। आलू, आज भी आलू कल भी आलू। ये ले अम्मी, ले आया आटा। आई मेरा बच्चा जीता रहा, ये बाबूजी खाने में रख दे। क्या बना रही है? शराब मेरे पास। तू ही है जो मेरी फिक्र करता है, वरना इस शराफत से तो कोई उम्मीद नहीं। कल भी मार खा के आया किसी से। क्या, किसने मारा भाई को? अगर मैं तो पूछती भी नहीं सड़ आराम से, सिवाय सोने और खाने के उसे कोई है काम? अम्मी अगर आप मेरी बात माने ना, तो भाई की शादी कर, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा उनका। हाँ ठीक कह रहा है, जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये रातों की आवारा कर दी और जागना भी खत्म हो जाए। क्या बात है अम्मा, बड़ा सोच रही है मेरे बारे में। तेरे गुण गा रही और बगैरत कोई शर्म कर, कोई कमा के खिला हमें भी। सारी रात आवारा गर्दी करना और दिन भर सोना, यही काम है तेरा? इनायत ना होना तो हम तो भूखे मर जाए। क्यों बड़बड़ किए जा रही है अम्मा? अगर तेरी खिदमत करता है तो कोई एहसान नहीं करता किसी पे। अच्छा और तेरा क्या फर्ज है? वही जो मैं कर रहा हूँ, उससे प्यार। डूब के मर जा बेगैर। ताहिरा बहन, अरे फरीदन आओ 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 बैठ। फूल के अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल चाल है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आज मैं तुम्हारे अनायत के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे पहले इस निकट्टू नामुराद की तो हो जाए, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। इनायत की तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं। ताहिरा लड़की बहुत खूबसूरत है, बीए कर रही है, बहुत प्यारी है। लड़की वालों को शादी की भी बड़ी जल्दी है। अच्छा कब दिखा रही लड़की? बेशक आज शाम को ही देख लो, जोड़ी अनायत के साथ ही सजेगी चंदा की। चंदा? ये चंदा नाम है लड़की का? प्यार से सारे उसे चंदा कहते हैं, वैसे उसका नाम फरवा है। अम्मा तूने हमेशा मेरी हक तलफी की और अनायत को आगे रखा है, कम से कम शादी तो मेरी पहले करवा दे। अम्मी भाई ठीक कह रहे हैं, मुझसे पहले भाई की शादी होनी चाहिए। अच्छा फरीदन कोई शराफत की रिश्ता बता। अरे और कोई रिश्ता क्या, चंदा ही देखो ना मेरी खाला। हाँ अम्मी, इस रिश्ते के लिए आप भाई को ही देखे ना, वरना सारी जिंदगी भाई के ताने सुनने पड़ेंगे। क्यों फरीदन, शराफत के लिए चंदा को देख सकते? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर रिश्ता पक्का होते ही 5,000 लूंगी। एक मिनट खाला, खाला मैं तो 10,000 रुपए दूंगा अभी के अभी, ना मेरा रिश्ता पक्का करवा दे। तो चलो फिर शाम को लड़की देख लो। नहीं नहीं अभी नहीं है, पहले लड़की के वालदैन आए, शराफत को देखिए पसंद करें, उसके बाद हम उनके घर चले जाएंगे, क्यों ना? जी अम्मी। अम्मा क्या बात कर रही है तू? गली का बच्चा बच्चा वहीद मुराद कहता है मुझे, कहता है कि मैं चॉकलेटी हीरो हूँ। तुझे क्या पता अम्मा, लुब्बे लुबाब ये है कि गली की जितनी लड़कियां है ना, अपनी नसें काट रही है मुझे देख देख के। मेरा नाम शराफत तूने रख दिया, मेरा क्या कसूर है? मैं तो शरीफ ही दिखूंगा ना, क्यों खाला? समझा अम्मा को। तूने क्या बकवास की? कान खोल कर सुन ले, कल तहरा बहन तुम्हें देखने के लिए आ रही है और मैंने उनको हाँ कर दी है। रुखसाना ये बात अच्छी तरह इस मनहूस को समझा दे। हाँ जी अख्तर भाई, कैसा लगा मेरा बेटा आपको?
माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। बेटा काम क्या करते हो? जी आंटी, आंटी वो दोस्त के साथ मिलके प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लुबे लुबाब ये है कि 60-70 हजार रुपया महाना अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि कमा लेता। माशाल्लाह माशाल्लाह। तालीम कितनी है तुम्हारी? जमात का वक्त हो गया अंकल, आप लोग बातें करें, मैं जरा नमाज पढ़ रहा हूँ। अरे एक मिनट, ये लो। ये क्या कर रहे हैं जी? जी तेरा बहन, मुझे आपका लड़का पसंद है और मेरी तरफ से हाँ है। क्यों उपसाना बहन, आपका क्या ख्याल है, मंजूर है रिश्ता? जी जी, तो फिर मुबारक हो। ताहिरा बहन, आप एक बार चंदा को देख लेती तो अच्छा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल आती हूँ ना चंदा को देखने के लिए। हाँ हाँ जरूर आए, लेकिन शराफत की तस्वीर साथ लेकर आए। तस्वीर का क्या करना है, लड़का हमने देख तो लिए। मैं ले आऊंगी अख्तर भाई, इसमें ऐसी कौन सी बात है। इस्लाम में भी हक दिया गया है कि लड़की लड़का एक दूसरे को पहले देख ले ताकि बाद में कोई मसला ना हो। अंकल पहली सफ में नमाज पढ़नी होती है तो नमाज कजा हो जाएगी, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए ना, लो ना आप भी ले। अबे और अंगू, चाय लेके आ मलाई वाली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, लगता है किसी नमाजी परहेजगार के थे चढ़ गया तू, फुल टोपी शोपी। अबे इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। बाकी नमाज पढ़ के है? बाजमात मेरी जान बाजमात। अब ससुराल वालों के सामने हीरो बनने के लिए इतना करना तो जरूरी था ना। अब लुब्बे लुबाब यह है कि ऐसा ससुर जान को शीशे में उतारा है कि तेरी अभी तेरी सोच ही नहीं है। अरे तू सही है भाई, जो चाहता है बनवाता है। और एक काम है भाई, जब जी चाहता है अम्मा का खाना भी नहीं बंद कर दे। बड़े अफसोस की बात है। अबे हल्का लिया है भाई को, हाथ की उंगलियों पे नचाता हूँ घर वालों को। बस शादी होने वाली है जल्दी, अगली मुलाकात उससे शादी के कार्ड के साथ होगी। अबे सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा, अभी को देखा तूने? नहीं यार, लेकिन नाम सुना है, चंदा। चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में। वाह 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 वाह। नहीं सुसर कहीं गुजर तो भी देखना ना ले। पौजिया, जिस माशरे में सवाल उठाने पर औरत को गालियां पड़ती हो ना, उस माशरे को बर्बाद हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, भला ये कोई बात हुई? आज लड़के वालों की इतनी बात मान रहे हैं, कल को वो जूते मारेंगे तो अख्तर चाचा खाएंगे। पौजिया तुम्हें पता है अब्बा ने कहा है कि अगर ये रिश्ता ना हुआ ना तो मुझे और अम्मा दोनों को घर से निकाल देंगे। अख्तर चाचा को तो खुदा वास्ते का बैर है तुमसे, मेरी मानो तो उनके सामने खड़ी हो जाओ। हाँ, मैं शादी से इनकार कर दूंगी, मैं नहीं करूंगी ये शादी। बिल्कुल ठीक है, मगर एक बात की समझ नहीं आई, तुम्हारी अम्मा क्यों मिल गई उनके साथ? तो अम्मा क्या करें, अगर उनके खिलाफ चलती हैं तो उन्हें पीटते हैं, कुछ कहने की कोशिश करती हैं तो गालियां देते हैं। लगता है अख्तर चाचा आ गए। मैं देखती हूँ। अब्बा अम्मा 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 क्या हुआ, कुछ तो बताए ना। चंदा मैंने बहुत कोशिश की,
बहुत समझाया, तुम्हारे अब्बा ने मेरी एक नहीं सुनी। क्या नहीं सुनी अब्बा ने? आपने किस चीज की कोशिश की? अम्मा बताए ना, अम्मा बोले। चंदा, अम्मा, अम्मा, क्या अब्बा हाँ कर रहे हैं? चंदा, कभी कभी इंसान की कोशिश हार जाती है और तकदीर जीत जाती है। अम्मा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या अब्बा हाँ कर रहे हैं? हाँ चंदा, उन पर तो कोई भूत सवार था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, उनके आगे मेरी एक नहीं चली। अम्मा, पहली बार में ही हाँ कर रहे हैं? क्या मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ? क्या सोचेंगे लड़के वाले कि मैं आप लोगों पे इतनी भारी हूँ? ये बहुत बुरा किया अख्तर चाचा ने, पहली बार सुना है लड़का देखने गए और हाँ कर आए। फौजिया, मैं चंदा के अब्बा के आगे मजबूर हूँ और ये बात चंदा अच्छी तरह से जानती है। मगर शायद अब्बा ये नहीं जानते कि मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। आहिस्ता बोल, तेरे अब्बा ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। सुनते ही तो सुन ले, अगर इस तरह गिर पड़ के मेरा रिश्ता करेंगे ना, मैं हाँ नहीं करने वाली। क्या बकवास की तूने? क्या बकवास की? कान खोल कर सुन ले, कल तहरा बहन तुम्हें देखने के लिए आ रही है और मैंने उनको हाँ कर दी है। रुखसाना, ये बात अच्छी तरह इस मनहूस को समझा दे। अम्मा, अब्बा को साफ साफ बता दे, चंदा मरती मर जाएगी मगर ये शादी नहीं करेगी। चल फौजिया। चंदा, अभी गुस्सा मत करो, बाद में बात कर लेना खाला से। अम्मा, ये अब्बा क्या ड्रामा कर रहे हैं? चंदा, वक्त गुजर जाने दो, मैं तुम्हारे अब्बा को समझाऊंगी बाद में। ऐसे कौन से गुण नजर आ गए उस लड़के में, पहली दफा में हाँ करके आ गए? वैसे खाला, अख्तर चाचा ठीक नहीं कर रहे चंदा के साथ। चंदा, तुम अपने बाप को जानती हो ना, कितने जिद्दी इंसान है, बस एक बार जो कह दिया सो पत्थर पर लकीर। तो फिर मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। रुखसाना, चलो, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं तुम्हें। मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। अगर तुम इस वक्त ना गई ना तो सारी बात मुझ पर आ जाएगी। ताहिरा सिर्फ देखने आई है, कोई निकाह थोड़ी हो रहा है आज। ताहिरा चली जाए तो मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। मेरी खातिर चलो मेरी जान। तेरा बहन को चाय दो बेटा, बैठ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, चश्मे बद्दूर। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया। अच्छी लगी आपको? जी जी, बहुत अच्छी लगी। ना अच्छी लगने वाली बात कौन सी है? अख्तर भाई, मेरी तरफ से तो हाँ है। इसका मतलब रिश्ता पक्का? जी जी, बिल्कुल पक्का। अरे रुखसाना, ताहिरा बहन का मुंह मीठा कराओ। रुखसाना, देख क्या रही हो, मुंह मीठा कराओ। चलिए, थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। लो बेटा, खाओ ना। इससे क्या हुआ? शर्मा गई है। ऐसे मौकों पे लड़कियां शर्मा ही जाएं तो अच्छा लगता है। चंदा, तुम्हारे अब्बा ने तो रिश्ता भी पक्का कर लिया। रब्बा इतना याद रखिएगा बहन की शादी हमें बहुत जल्द करनी है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करेंगे, लेकिन आप जरा तस्वीर तो देख लें पहले शराफत की। अरे बहन, ये चंदा को दिखा दीजिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बहन। है भाई, बिल्कुल है,
देखे ना, चंदा भी शराफत को देख के रजामंदी दे दे तो अच्छा है। अख्तर भाई, ताहिरा बहन ठीक कह रही है, आप एक बार चंदा को तस्वीर दिखा दें। आप इशार करती हैं तो दिखा दें, तो फिर तारीख तय करें। अरे भाई साहब, तारीख भी रख लेंगे, लेकिन मैं पहले चंदा की राय तो ले लें। अरे वो क्या राय देगी, उसका भी फैसला वही होगा जो मेरा है। अच्छा चले ठीक है, मैं घर जाके मशवरा करके फिर आपको तारीख बता देती हूँ, ठीक है। अरे क्या हुआ रुखसाना बहन, तुम क्यों परेशान हो? देखो मैं वादा करती हूँ कि चंदा को मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, क्यों फरीदन बताओ। हाँ हाँ बेफिक्र रहो रुखसाना। अब चले हम, इजाजत दीजिए, चलो फरीद, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा खुदा। मुझे नहीं करनी है शादी। मगर अख्तर चाचा के सामने कैसे इनकार करोगी? साफ इनकार कर दूंगी, जान से मार देंगे तुम्हें। तो मार दे, मगर मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। करनी भी नहीं चाहिए, भला ये कोई बात हुई? पहले ही बार में अख्तर चाचा ने हाँ कर दी। मुझे पता था वो ऐसा ही करेंगे। अब हम मुझसे बहुत नफरत करते हैं, उन्हें लगता है अगर मेरी जगह बेटा होता ना तो उनकी खिदमत करता, उनके लिए मैं एक बोझ से ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसी वजह से तुम्हें भाड़ में झोंक रहे हैं। चंदा मुझे लगता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। क्या हुआ? इधर लेट जाओ, एक तो तुम्हारा ये जान ले वदर, न जाने कब जान छोड़ेगा। खैर मैं सर दबाती हूँ। नहीं फौजिया, बहुत दर्द है। सबर करो चंदा, फौजिया मेरी जान निकल रही है। अरे भाई किस बात की इतनी बेचैनी है, तसल्ली से बैठ जाएं, आ जाएंगी अम्मी। अरे यार खाला, फरीदा ने जितनी तारीफें कर दी ना चंदा की, उसके बाद डर सा लग रहा कहीं ना ना हो जाए। आप क्यों इस तरह सोच रहे हैं कि वो ना कर देंगे? अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, और वैसे भी अख्तर अंकल तो हाँ करके गए ना। क्या हुआ, फिर सर में दर्द हो रहा है? अरे नहीं अम्मा, वो फौजिया आई हुई थी ना, मैंने सोचा थोड़ी खिदमत करा लूं। वो ताहिरा आंटी चली गई। हाँ चली गई, अपने अब्बा को तो देखो, फट से हाँ कर दी। अम्मा फिकर ना करें, अभी अब्बा ने हाँ की है, मैंने नहीं। तुम अपने अब्बा को नहीं जानती, जो एक बार मुंह से निकल गया तो फिर हटते नहीं है। अब्बा नहीं जानते, मैं किसी सूरत नहीं मानूंगी। वैसे खाला ये तो ज्यादती है, लड़के की शक्ल तो देखे, कहाँ चंदा और कहाँ ये। नहीं, मैं तो खुद राजी नहीं हूँ, मगर क्या करूँ, इसके अब्बा को कौन समझाए। अम्मा आप ना अपना दिल छोटा ना करें, अब्बा को करने दें अपनी, मैंने आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना। रुखसाना, ओ रुखसाना। जी आई, ये शराफत की तस्वीर है, देख लेना। आ रही हूँ जी। तस्वीर तो देख लो। जिसका जाना नहीं उसके कोस क्या गिनना। क्या बकवास कर रही है, निकाह के वक्त इनकार करेगी? हाँ बेहया, तेरी इतनी जुरत, तू मुझे इनकार करे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हैं, हाय कुछ तो ख्याल करें, जवान बच्ची है, इसके इसके ऊपर हाथ उठाएंगे। अरे इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। भर आए हैं ये नैनारावा, भर आए हैं ये नैनारावा। ये ले आगे मुझे, भाई बेचैन हो रहे हैं बिला वजह। हाँ कर दी ना लड़की देखकर। बता दो। बताए ना। हाँ हाँ हाँ। कैसी है चंदा? अरे अपने नाम की तरह बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। लो भाई लॉटरी निकल आई आपकी। अरे लॉटरी नहीं, प्राइस बॉन्ड निकल आया है, और वो भी 40,000 वाला। पूरे शहर में ढूंढोगे ना ऐसी प्यारी लड़की नहीं मिलने वाली। वो तो तारीफ मांग रहे थे, वो तो मैंने ही कहा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए भाई। अरे अम्मा वक्त क्यों मांग लिया तुमने? अरे बेवकूफ, शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है, पैसे कहां से आएंगे? कितने? देख बड़ी बनेगी, एक छोटा मोटा सेट डालेंगे, कुछ उसकी माँ बाप को तोहफे भी देंगे, तो फिर कम से कम 5-7 लाख का खर्चा तो होगा ना।
मुझे कल तक का वक्त दे, मैं देखता हूँ। वैसे असूलन तो तुझ जैसे निकम्मे और आवारा लड़के की शादी मुझे करनी ही नहीं चाहिए। अगर तू वादा करे ना कि तू ये निकम्मापन छोड़ देगा, कमाएगा और चंदा को खुश रखेगा तो फिर मैं सोचूं तुझे। अम्मा मैं वादा करता हूँ, बस एक बार मेरी शादी चंदा से करवा दे, फिर जैसा तू चाहेगी ना मैं वैसे ही करूंगा। वादा? अम्मा पक्का वादा। ठीक, तू पैसों का इंतजाम कर, इधर तूने मुझे पैसे दिए और इधर तेरी शादी हुई। अम्मा तू कितनी अच्छी है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे पैसों का बंदोबस्त करने, और क्या। ये कहाँ से करेगा पैसों का इंतजाम? अम्मी एक बार कोशिश करने, अगर नहीं कर सकेंगे तो 4-5 लाख रुपए मैं अरेंज कर सकता हूँ, धूमधाम से हो जाएगी शादी। हाय मेरे बच्चा, तुझे कितनी फिक्र है घर की, मगर सुन ये बात इसके सामने ना बोलना, ही तो आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, आप चलें, थक कर आइए, आ जाएं। चंदा, वो तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं कि अम्मा अभी मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, रात में बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सरदर्द की गोली ले आती हूँ। हाँ अम्मा दवाई दे दे। चंदा, आज तो तुम्हारी रिपोर्ट आनी थी ना। अरे हाँ चलो चंदा रिपोर्ट लेकर आते हैं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। नहीं फौजिया, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तुम जाके ले आओ। हाँ फौजिया मेरी बच्ची, ये काम तो कर दो। अच्छा खाला रसीद दे, मैं रिपोर्ट लेकर आती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। फौजिया जी रिपोर्ट लेकर ना डॉक्टर रहमान को दिखा देना। अच्छा खाला दिखा दूंगी। ये लो चंदा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट्स दिखानी थी। जी दिखाइए। चंदा आप हैं? जी नहीं, वो तो मेरी सहेली है। वो खुद कहाँ है? उसके सर में शदीद दर्द था इसलिए वो घर पे आराम कर रही है। डॉक्टर साहब आप मुझे बता दें क्या है रिपोर्ट में? चंदा को ब्रेन ट्यूमर है। क्या ब्रेन ट्यूमर? देखिए आप चंदा को यहाँ लेकर आए, मरीज को मालूम होना चाहिए कि उसको क्या बीमारी है। नहीं डॉक्टर साहब मुझ में हिम्मत नहीं है। आप उनको यहाँ लेकर आए, मैं बताऊंगा उन्हें। डॉक्टर साहब चंदा बहुत हसास है, चीजों को महसूस करने वाली है, जब उसे पता चलेगा कि उसे ये बीमारी है वो मर जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चंदा के इल्म में ये बात लाना जरूरी है, तभी तो इलाज मुमकिन हो सकेगा। मतलब चंदा का इलाज हो सकता है? अभी ट्यूमर की स्टेज का नहीं पता, चंद टेस्ट और करवाना होंगे, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि इलाज हो सकता है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब क्या ये मुमकिन है कि अभी हम चंदा को कुछ रोज ये बात ना बताएं?
छुपाना क्यों चाहती हैं? चंदा वैसे ही मसाइल का शिकार है, इतनी बड़ी बीमारी का सुनेगी तो परेशान हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हफ्ता 15 रोज तो ये बात छुपाई जा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इस दौरान मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूं, ये बाकायदगी सिखाना है इनको। इससे सर का दर्द रुक जाएगा? हाँ, वक्ती तौर पर तो दर्द नहीं होगा, लेकिन इलाज ही इसका मुस्तकिल हल है। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। समझती हूँ तुम्हें, इसलिए तो सर से उठाकर फेंकना चाहते हैं। माँ, अब्बा की भी तो आराम करने की उम्र है ना, अब सारा दिन दुकान पर इस उम्र में ग्राहकों से बहस करते हैं। ठीक ही तो कहते हैं, अगर मेरी जगह बेटा होता तो चारपाई पर बिठा कर खिलाता। चारे अब्बा, कैसी इंसान हो तुम, वो तुम्हें जहन्नुम में फेंकना चाहते हैं और तुम? तो क्या करूं अम्मा? तुम्हारे अब्बा का हुक्म है, अगर मैंने तुम्हें शराफत से शादी के लिए राजी ना किया ना, तो वो तुम्हें और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अम्मा, अम्मा अब्बा से जाकर कह दे मुझे शराफत से क्या किसी से भी शादी नहीं करनी। चंदा, कयामत आ जाएगी, कयामत। अम्मा, जो होगा देखा जाएगा, आप बस अब्बा को मेरा फैसला सुना दे। चंदा, एक बार फिर सोच लो। अम्मा, सोच समझ के ही तो कह रही हूं। से बाहर निकाल दिया तो अम्मा, अम्मा अपना ऐसा कीजिएगा कि अप्पा के सामने जाकर मुझे बहुत बुरा भला कहिएगा, कहिएगा कि बहुत समझाया कमबख्त मानी ही नहीं, और ऐसे जाहिर कीजिएगा जैसे आपको शराफत पर कोई एतराज नहीं। इससे क्या होगा, आपकी जान छूट जाएगी और सारा नजरा मुझ पर गिरेगा। बात की उसे? हाँ, की। क्या कहा उसे? अम्मा अपना ऐसा कीजिएगा कि अप्पा के सामने जाकर मुझे बहुत बुरा भला कहिएगा, कहिएगा कि बहुत समझाया कमबख्त मानी ही नहीं। बुत बनी क्यों खड़ी है, बोलती क्यों नहीं, क्या कहा उसने? अब मुझे तो लगता है कि बदबख्त हमारी नाक कटवा के छोड़ेगी। क्या मतलब? मतलब बहुत समझाया, मिन्नत समाजत की, मगर चंदा नहीं मानी, बोली शराफत ही नहीं, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगा,
जान पर बवाल बनी बैठी है। बताया नहीं उसे कि मैंने ताहिरा बहन को हाँ कर दी है? हाँ बताया, सब बताया, मगर चंदा टस से मस नहीं हुई। बाप की इज्जत का कुछ ख्याल है उसे? देख देख अब कैसे सीधा करता हूं मैं उसे। इन्हीं कहानियों ने तुझे बिगाड़ के रखा है। इतनी मुंहजोर हो गई है तू? किसी बड़े छोटे की तमीज है तुझे? अब्बा, अब्बा हुआ क्या है? क्या कहा तूने अपनी माँ से? बोल। अब्बा वो, अब्बा मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करनी? क्या सारी उम्र हमारे सीनों पे बैठ के मूंग दलेगी? मगर अब्बा, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने शराफत की माँ को हाँ कर दी है और तेरी शादी शराफत से ही होगी। अब्बा मैं साफ बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर आपने ताहिरा आंटी को मना नहीं किया ना, तो मैं निकाह के वक्त खुद इनकार कर दूंगी। क्या बकवास कर रही है? निकाह के वक्त इनकार करेगी? हाँ। बेहया तेरी इतनी जुरत, तू मुझे इनकार करे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या कर रही है? हाय कुछ तो ख्याल करे, जवान बच्ची है, इसके इसके ऊपर हाथ उठाएंगे? अरे इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात पूरी हो जाएगी, आप चले तो सही। अगर इसने शादी से इनकार किया ना, तो जहर दे दूंगा मैं इसे, बता दे इसे। हाँ हाँ मैं समझा दूंगी, आप चले तो सही, चलिए बाहर तो चले। आप आइए यहां बैठे। देखिए तुमने उस बेगैरत की दीदा तले कैसे बाप की आंखों में आंखें डालकर इनकार कर रही थी मनहूस। मैंने तो पहले ही बताया था चंदा राजी नहीं है। देख रुकसान, मैंने उसे तेरी वजह से छोड़ दिया, बस किसी ना किसी तरह उसको राजी कर। अब ये शादी किसी सूरत नहीं टल सकती। आप गुस्सा ठंडा रखिए, मैं बात करूंगी उससे। जिस तरह मुझे इनकार करके उसने मेरी बेइज्जती की है ना, देखना अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। अल्लाह ना करे, बदवाएं तो ना दे। तो और क्या, फूलों के हार पहनाऊं उसे, कल शराफत के घर जाऊंगा और तारीख पक्की कर दूंगा। अब उस मनहूस को राजी करना तेरा काम है।